बोर्ड परीक्षा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, एक भी नंबर आपके न कटे, एक भी प्रश्न का उत्तर आप का न छूटे और एकदम प्रफुल्ल मन से आप परीक्षा हॉल में जाएं, सारे विवादों को दरकिनार करके किसी से भी कोई सिर गिला सिकवा न रख करके सबको प्यार करके माँ अपने अभिभावकों का चरण स्पर्श करके गुरुओं का चरण स्पर्श करके परीक्षा हॉल में जाएं और एक जंग जीतने की मनस्थिति लेकर के जाएं और निश्चित ही आपके आपका परीक्षा अच्छा होगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। चलिए, YouTube चैनल लगातार कई वर्षों से आपकी इस मुहिम में लगातार आपकी सेवा देता रहा है और इससे फ़ायदा भी हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेकर के आए भी हैं, आप भी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। आज देखिए, जैक बोर्ड द्वारा JCERT द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको जो है समाज शास्त्र के जो बड़े लंबे लंबे प्रश्न होते हैं उनके समझा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम उसके उत्तर आप के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और फायदा करेगा, लाभ करेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है, ये देखिए, क्वेश्चन ये है कि अतिरिक्त ये क्वेश्चन है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम आपको समझाते हैं। प्रश्न है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता। देखिए, अतिरिक्त मुद्रा एक ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपया ही रुपया है, रुपया ही रुपया, और एक ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है, तो बैंक इन दोनों के बीच में किस तरीके से मध्यस्थता निभाता है। देखिए, बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है कि बैंक जो है वो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पैसे, है ना, उसके पैसे लेकर के वो जमा करता है, पैसे लेकर के वो जमा करता है और इसके ऊपर वो क्या देता है, उनको देता है ब्याज। ठीक है, दूसरी तरीके, दूसरा क्या करता है, जिनको पैसे की जरूरत होती है उनको बैंक पैसे देता है, हाँ? उनको बैंक पैसे देता है और बदले में उनसे ज्यादा अधिक ब्याज लेता है, अधिक ब्याज लेता है। इसको कम ब्याज दिया और इससे अधिक ब्याज लिया, तो अधिक ब्याज में से जो कम ब्याज दिया जो अंतर आया, हाँ, अधिक ब्याज लिया और कम ब्याज ब्याज दिया, किसको दिया, जो जमा करने वाले हैं, तो ये जो अंतर है इसी से अपना बैंक जो है, बैंक अपना कार्य करता है, अपना कार्य करता है। बैंक का अपना बिल्डिंग का चार्ज है, बिल्डिंग का किराया है, बिजली का किराया है, भवन का किराया है, हाँ, बिजली है, कर्मचारी का वेतन है, तो ये सारे जो पैसे जो है बैंक कहाँ से देता है, हमसे ही, जमा करने वालों से और कर्ज लेने वालों से,
दोनों के बीच में जमा करने वालों को कम ब्याज दे करके और कर्ज लेने वालों से ज़्यादा ब्याज ले करके वो जो अंतर आता है उसी पैसे से वो बैंक अपना कार्य करता है, भवन का किराया देता है, बिजली का खर्चा देता है, कर्मचारी का वेतन देता है। तो इस तरीके से बैंक जो है आपका अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। इससे क्या होता है, सभी वर्ग का कल्याण हो जाता है, जमा करने वालों के पैसे सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, और सुरक्षित रहते हैं और कुछ बढ़ते भी जाते हैं, और जो जिनको बिजनेस के लिए जरूरत है उनको पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सबका कल्याण करने के लिए बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है।